नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं 24G स्टडी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जुड़े रहिए सबसे सटीक करंट अपडेट्स के साथ। चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर लिया है, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी न्यूज आपके पास पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा 2021 के बारे में, किन किन बिंदुओं पर रहेगी नजरें। इन बिंदुओं की बात करें सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में, रीट भर्ती परीक्षा 2021 में आवेदन कब से कब तक चलेंगे और कितने आवेदन भर सकते हैं। नंबर दो बात करेंगे, रीट भर्ती परीक्षा 2021 में पद कितने बढ़ाए जा सकते हैं। नंबर तीन हम बात करेंगे, रीट भर्ती परीक्षा 2021 में होगी या फिर 2022 में खिसक जाएगी। तो सबसे पहले अपने बात करें इन तीन बिंदुओं के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए सबसे तेज करंट अपडेट्स के साथ। बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। रीट भर्ती परीक्षा में जो आवेदन है उनकी बात करें सबसे पहले तो आवेदन कब से कब तक चलेंगे। आवेदन की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा ने आपको बता दिया था ट्वीट के जरिए, बयान के जरिए, कि जो रीट के आवेदन है वो कब से कब तक चलेंगे। तो सबको आपको पता है कि जो रीट के आवेदन है वो 21 जून से चलेंगे और कब तक चलेंगे, 5 जुलाई तक। डोटासरा ने बयान जारी कर बोला था मीटिंग में कि 21 जून से 5 जुलाई तक ये आवेदन लिए जाएंगे। उसका मुख्य रीजन जो था वो EWS का था। EWS अभ्यर्थियों के लिए आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक लिए जाएंगे। बहुत जल्द माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संशोधित विज्ञप्ति जारी करेगा। ये बयान था गोविंद सिंह डोटासरा का, माननीय शिक्षा मंत्री है। तो ये मानकर चलते हैं 21 जून तक आवेदन शुरू हो जाएंगे और 5 जुलाई तक चलेंगे। अब ये आवेदन के लिए फिक्स डेट रहेगी क्योंकि इसमें कोई संशोधन होने का चांस नहीं है। आवेदन 21 जून से 5 जुलाई तक चलेंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है उनमें 1 व 2 दिन का आगे पीछे फर्क आ सकता है, आगे पीछे डेट बढ़ाई जा सकती है। अब बात करें इसके अंदर कि आवेदन लिए जा रहे हैं तो आवेदन बढ़ने के चांस 100% है। अब आवेदन कितने और बढ़ जाएंगे, अब तक जो है आंकड़ा देखें तो लगभग 16,50,000 ने आवेदन कर दिए। अब EWS की बात करें कि EWS के कारण जो आवेदन आएंगे वो कम से कम मान के चलिए कि 50,000 आवेदन आ जाएंगे और प्लस 20 या 30,000 और हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नए आवेदन बढ़ेंगे वो अपने मान के चलें तो 80 प्लस होंगे, 80,000 से प्लस आवेदन और आ जाएंगे इसमें। तो आवेदन इंक्रीज होना बिल्कुल तय है। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, इस वीडियो में हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रीट भर्ती परीक्षा में कितने पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रीट भर्ती परीक्षा के पद बढ़ने की संभावना है या नहीं, तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ज्यादा समय खराब नहीं करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। अपने बात करें अगले बिंदु की, तो तीसरा बिंदु और अंतिम प्रश्न हमारा था कि रीट भर्ती परीक्षा 2021 में होगी या फिर 2022 में खिसक जाएगी। सभी अभ्यर्थियों की नजरें इस पॉइंट पर है कि जो भर्ती की परीक्षा है वो 2021 में ही होगी या हमेशा की तरह आगे खिसक जाएगी, 2022 में होगी। तो बात करें, आपको सभी को पता है कि रीट भर्ती परीक्षा की दिनांक अगस्त 2020 से चल रही है। अब फिर से अगस्त 2021 यानी पूरा एक साल हो जाएगा। जिस कारण से परीक्षा स्थगित हुई थी वो था EWS। सभी को पता है EWS के कारण फिर से आवेदन शुरू होने वाले हैं और ये आवेदन चलेंगे 21 जून से 5 जुलाई तक। अब सभी को पता है इसका मुख्य कारण था EWS का। अब EWS का कारण मुख्य था, ये मैटर अगर यहीं पे खत्म कर दिया जाए EWS का, क्योंकि EWS के लिए आवेदन फिर से स्टार्ट हो चुके हैं, मैटर खत्म हो जाएगा। अब दूसरी बात रह गई इसमें कि जो 26 सितंबर को परीक्षा होना बताया जा रहा है, उधर 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक RPSC अपना एग्जाम हेल्ड करवा रही है। छब्बीस सितंबर से 2 अक्टूबर तक। तो अगर मान के चले, बड़ा बड़ा कारण मान के चले, तो 2 अक्टूबर और 26 सितंबर के बीच में कोई रीट का एग्जाम नहीं होता है। वैसे तो शिक्षा मंत्री ने 26 सितंबर को तारीख दी है, लेकिन मान के चलें कि 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में एग्जाम नहीं होने वाला है, तो 100% संभावना ये है कि 10 अक्टूबर से पहले पहले आपका एग्जाम होने वाला है। रीट का एग्जाम होने का चांस 100% है। अब की बार 10 अक्टूबर से पहले पहले ये एग्जाम होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा मैं ये मान के चलूंगा कि 1 वीक या 2 वीक आगे पीछे हो सकता है एग्जाम, इससे ऊपर नहीं होगा।
तो मान के चलिए आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने आपके पास है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये थी रीट भर्ती परीक्षा 2021, इसके बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए सर्वोत्तम करंट अफेयर्स से।